महाराष्ट्र से आई हुई, किधर है शोभा? खड़े हो, इसको देना, इधर आओ, मंच पे आओ, ये तो ऊपर ही पहुंच गई होती। लोग कहते हैं कि एक बार इजेक्शन फैक्शन कम हो जाए, आओ आओ। इसका इजेक्शन फैक्शन कितना हो गया था कल बताया इसने, कि लोग बोलते हैं कि एक बार इजेक्शन फैक्शन कम हो जाए तो फिर क्या करना पड़ता है, पेसमेकर लगाना पड़ता है, ब्लॉकेज आ जाए तो स्टेंट लगाना पड़ता है। बैठो बैठो, इसको भी हो गया था, कितना हो गया था? मेरा 20% हो गया था। 20% हो गया था इजेक्शन फैक्शन। और फिर कहते कभी भी मर सकते हैं ऐसे लोग, तो पेसमेकर लगाओ, अंदर आर्टिफिशियल करंट दो। फिर मुझे बचपन से प्रॉब्लम है हार्ट का, बचपन से है। होई राम। हाँ, तो मेरा 83 में एक ऑपरेशन हुआ था, तब तो ऑपरेट करके ही एंजियोप्लास्टी अभी जो करते हैं तब की थी। और अभी 2004 में मुझे बोला था कि आपको बाईपास करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तब प्राणायाम करती थी, मेरा एक वॉल खराब हो गया था, वॉल रिप्लेस हो गया अभी एक साल पहले। हे राम, वॉल भी रिप्लेस हो गया, तो बड़ी क्रिटिकल पेशेंट है। तो फिर तो 2004 से मैं प्राणायाम कर रही हूँ, तो 2020 तक मैं वैसे ढकेल दिया, लेकिन बीच बीच में मैंने दवाई छोड़ दी। वैसे 2005-06 से मैं पतंजलि से दवाई मांगती थी, डीडी करके दवाई मांगती थी, जब ये कुछ भी नहीं था अपने सब भारत में, तो चिकित्सालय भी बहुत कम थे। बीच बीच में लेकिन छूट जाती, दवाई छूटती थी, प्राणायाम भी थोड़ा तो कम होता था। इजेक्शन फैक्शन कब कम हुआ था? अभी मई में पिछले साल मई में। हाँ, मई में इजेक्शन फैक्शन 20 आ गया। फिर मैं प्राणायाम करती रही और हृदय अमृत और कार्डियोग्रिट लेती रही। कार्डियोग्रिट पहले जो देते थे ना, अकीक संगे सौ जहर मोरा योगेंद्र मोती, सब एक ही जगह हमने मिला दिया। कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदय अमृत खाने के बाद, फिर अर्जुन की छाल और सर्वकल्पकात का काढ़ा भी पीती हूँ हरोज अभी भी, और लौकी का सूप पीती हूँ, और अपान वायु मुद्रा करती हूँ हरोज। हाँ, फिर और हवन हरोज करती हूँ 2 साल से, हृदयष्टि से और वातेष्टि से। हृदयष्टि और वातेष्टि से हवन भी करती रही। फिर क्या हुआ, कितने दिन में ठीक हुआ? 4 महीने में 55, अभी 55 है, 55 है अभी। 4 महीने में 20 से 55 इजेक्शन फैक्शन आ गया, पेसमेकर लगने से बच गए, नहीं तो कितना ऑपरेशन करवाते। और एक साथ सारी चीजें की, हृदयष्टि भी किया, कार्डियोग्रिट हृदयामृत भी लिया, अर्जुन की छाल भी पी, प्राणायाम भी किया, और मन में शांति भी रखी, श्रद्धा भी रखी। अब ये शोभा कहाँ से है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद से, और अब दूसरों को योग सिखाती है, ये बड़ी बात। 20 से क्रिटिकल हार्ट पेशेंट, जिनका वाल रिप्लेस हो चुका है, जिसका बाईपास हो चुका, मतलब ऐसी तो नहीं। नहीं। जो है वाल रिप्लेस हो चुका, जिसका एंजियोप्लास्टी हो चुका, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तो नहीं की? नहीं, तो खाली एंजियोग्राफी करके तो पता लगाते हैं कि क्या। हाँ, एंजियोग्राफी में एक भी ब्लॉकेज नहीं निकला प्राणायाम की वजह से। लो, ये भी डाल दिया। क्रिटिकल स्थिति। अब ऐसे फिर टाइम तो लगता है, 4 महीना लगा ना इसको, ये 4 दिन में नहीं होगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और स्वामी जी, मुझे एक बताना था कि ऑपरेशन के 1 महीने के बाद जब मैं सोई थी तो 1:30 बजे पता नहीं मुझे कैसी नींद खुल गई मेरी, और मेरे आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो माइल्ड अटैक आ गया था मुझे पैरालिसिस का, ऑपरेशन के 1 महीने बाद ही। ऑपरेशन के 1 महीने बाद माइल्ड अटैक आ गया, जब इसको वॉल रिप्लेस किया। तो पता ही नहीं चला क्या करना है, लेकिन मुझे तो पहले से योग करती थी, तो मैंने अनुलोम विलोम तब शुरू किया, तो आधे घंटे में मैं ठीक हो गई। ये एक और बड़ी बात जो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अचानक तुमको पैरालिसिस का अटैक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो हॉस्पिटल पहुंचने में भी तो 1-2 घंटा लग जाता है, और गांव में हो तो कहीं दूर हो तो 4 घंटा भी लग सकता है। इसने अनुलोम विलोम किया और वो जो अटैक आया था उससे बाहर निकल गई, सुन रखा था मुझे,
एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई शोभा के लिए। और बहुत सारे प्रॉब्लम है स्वामी जी, बहुत कुछ ठीक किया इसने। घुटनों का भी ठीक किया है, घुटने ठीक कर लिए और बाकी तो दर्द दूर दिए हाँ। वो सब ठीक है। चलो खूब आशीर्वाद। अब ऐसे जब जीवन मिलता है तब श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ेगी?